ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार चतुर्दशी तिथि दिन में 12:55 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में 5:50 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि पूरे दिन भरणी नक्षत्र ही लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, उत्तम विचारों वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ और मजबूत शरीर वाले होते हैं। ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाले, अपनी योजनाओं में सफल होने वाले, पत्रकारिता एवं फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले, खाद्य पदार्थों के शौकीन और अपना उद्देश्य अंतिम रूप से प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज मेष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी मंगल देव हैं। आज के चंद्रमा पर भी शुक्र की सप्तम दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र शुक्र का होगा, जिससे रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। उत्साह और महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी। निजी संबंधों में प्रेमपूर्ण माहौल विकसित होगा। साझेदारी के मामले सफल रहेंगे। विभागीय सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा साथ देंगे और पूरे दिन सक्रियता मन मुताबिक बनी रहेगी। पारिवारिक सुख स्वभाव में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए कुंभ के मंगल के शुभ अशुभ और दुष्प्रभावों की चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का प्रभाव? कुंभ राशि के राशि स्वामी शनिदेव हैं, जो कि आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपकी राशि पर चल रहे हैं, जिसकी चतुर्थ दृष्टि आपके सुख भाव पर, चौथे भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके पत्नी भाव सप्तम भाव पर और अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि स्वामी शनिदेव हैं और मंगल यहाँ पर बैठे हैं, जिससे स्वभाव में उग्रता, बात बात पर तुनक मिजाजी, उतावलापन और गुस्सा करने की प्रवृत्ति, क्रोध करने की प्रवृत्ति बढ़ी रहेगी। चोट चपेट लगने का अंदेशा बनता है। अग्नि का भय, विद्युत स्पर्शाघात का डर, बिजली या करंट लगने का डर, नुकीली चीज़ों या शस्त्र अस्त्र से भी चोट लगने का, चेहरे पर फोड़े फुंसी होने का अंदेशा भी बनता है। रक्त विकार की संभावना और शत्रुओं के द्वारा मानसिक कष्ट की संभावना भी बनती है। साथ ही निजी सुख संतुष्टि में कमी, पारिवारिक तालमेल में उतार चढ़ाव, पत्नी के साथ वाद विवाद या विरोधाभास हो सकता है, मगर कार्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। व्यावसायिक उद्देश्य पूरे होंगे और सहयोग मिलता रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्या करें जिससे आरोग्यता बनी रहे? सर्वप्रथम देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धैर्य और संयम से हर प्रकार के माहौल का सामना करें। शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करें। लाल कपड़े में लाल मसूर, गुड़, लाल फूल, तांबे का सिक्का बांधकर जल में प्रवाहित करें। स्वभाव में नम्रता आएगी, आरोग्यता में वृद्धि होगी और खुशनुमा महसूस करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन चंचल प्रवृत्ति के साथ मगर कार्य क्षेत्र के प्रति जुनूनी मानसिकता के लिए प्रेरित करेगा। भावनात्मक रिश्तों का विकास होगा और स्वयं में ऊर्जावान महसूस करेंगे। साझेदारी के कामों में रुचि बढ़ेगी और नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ कामों में रुकावट भी महसूस हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता के साथ ही आर्थिक पक्ष से भी थोड़ी चिंता महसूस होगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी, उन्नति के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए निजी निवेश की संभावना बनती है और साझेदारी के काम संपन्न होंगे। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक निवेश संभावित है और कार्य क्षेत्र के विस्तार का मौका मिलेगा। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। खर्च और आवश्यक संसाधनों के मुद्दों पर सतर्कता रखनी चाहिए। हालांकि रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में दबाव महसूस होगा और विरोध की संभावना बनती है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता में वृद्धि होगी और व्यक्तिगत मामलों में आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा। साथ ही कुछ आवश्यक और उपयोगी विषयों में रुचि बढ़ेगी। व्यावसायिक योजनाओं का विकास होगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। बुजुर्गों से लाभ और साझेदारी बनी रहेगी, मगर ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी पूर्वक सोच समझ कर लेने चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में रक्त विकार और त्वचा से संबंधित संक्रमण होने का अंदेशा भी बनता है।
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक होगा, प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुकून और संतुष्टि वाला महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के साथ उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी और सफलता हासिल करेंगे। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी की पुनरावृत्ति संभावित है और उसमें सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान संबंधी चिंता कुछ विषयों को लेकर हो सकती है, मगर रास्ते भी मिलते जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामलों के प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और संबंधित मामलों में रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। विभागीय अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा और नई कार्यशैली का विकास होगा। नई कार्य योजनाओं के लिए रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी, मगर सुचारू ढंग से चल रहे कुछ कामों में रुकावट और अड़चन की संभावना भी बनती है, मगर आपके प्रयासों से रुकते हुए मामले भी सुलझ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातक स्वस्थ व ऊर्जावान बने रहेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता और नई कार्य योजनाओं के लिए मित्र व सगे संबंधियों से भी सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभावित है, मगर अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिति का संकेत मिलता है। निजी संबंधों में तनाव व तर्क वितर्क की स्थिति के साथ ही दोषारोपण की संभावना भी बनती है। अपनी वाणी पर संयम रखें। संतान संबंधी रुकावटें खत्म होंगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का समय उन्नतिकारक होगा। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में चलते रहेंगे। शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर कार्य क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। कुछ मामलों में वाद विवाद व मानसिक भ्रम के साथ ही खर्च भी संभावित है। वाणी पर संयम रखें। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। निजी निवेश की योजनाएं भविष्य के लिए लाभकारी रहेंगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृश्चिक राशि के जातक स्वास्थ्य संबंधी सुधार महसूस करेंगे, मगर मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। चंद्रमा छठ में चल रहे हैं, जिससे काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और स्थायित्व बना रहेगा। अपव्यय में महिला वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। धनु राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में कमी के साथ मानसिक अवस्था प्रभावित रहेगी। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में चलते रहेंगे। कार्य क्षेत्र की सक्रियता में कमी संभावित है। पहल करने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। हालांकि शनि के कारण मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी में लाभ मिलेगा। कार्य योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। नई कार्य योजनाओं में दोषारोपण की संभावना बनती है, मगर आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा बनी रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वाणी में जोशीला अंदाज और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। नई कार्य योजनाओं में आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज पराक्रम बढ़ा रहेगा, प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और संबंधित कामों में प्रतियोगी भावना बनी रहेगी। पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी, मगर कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी, मगर सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सफलतादायक सिद्ध होगा और नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। मीन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार की प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं। रुका हुआ धन भी मिल सकता है। साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे। मन की व्यग्रता और नकारात्मक विचारों को दूर रखें। साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी और आर्थिक रूप से जोखिम वाले कामों में सावधानी अपेक्षित है। संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।